जैसे है कि आपको पता है कि कल से प्रेडिक्शन भी थी कि 2 मार्च को काफ़ी हैवी रेनफॉल होगी, तो कल पूरा दिन काफ़ी तेज़ बारिश हुई बनिहाल के इलाके में भी। तो कल से ही हमें डिफरेंट इलाके से ये रिपोर्ट्स आ रही थी लोगों के मकानों को डैमेज हो रही है, और जैसे ही रिपोर्ट्स आ रही थी हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज सुबह हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ ऋषिबास के इलाके में एक लैंडस्लाइड या मडस्लाइड जिसको कहेंगे वो आई है, और इस जैसे ही हमें खबर पता चली रेवेन्यू स्टाफ, पुलिस, आर्मी अथॉरिटीज़ और लोकल एनजीओज़ और लोकल लोगों ने भी स्पॉट पे पहुंचे और इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, और हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन पे यहाँ पे पहुंचे और मौके की असेसमेंट की है। और यहाँ पे देखा गया कि एक मस्जिद है उसको नुकसान काफ़ी पहुँचा, स्कूल की बिल्डिंग और 3 से 4 रेजिडेंशियल जो घर हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और हमने इमीडिएटली लोगों को ये एडवाइज़ किया कि वो फ़िलहाल इस जो मडस्लाइड के एरिया है यहाँ से शिफ्ट करें, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प होगी वो हम करेंगे। फॉर द टाइमिंग हमने इनको बोला है कि आपको जो भी हम रेड क्रॉस से हेल्प है वो भी दे देंगे, राशन वगैरह अगर शिफ्ट करना है कहीं, ब्लैंकेट्स वगैरह, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये फ़िलहाल सेफ़ साइड पे वो रहेंगे। अभी तहसीलदार साहब आए और हमारे हमरा वो यहाँ थे, और हमने बाकी लोकल सरपंच, नायब सरपंच वगैरह बरादरी को बुला के इनको यहाँ से शिफ्ट करवाया इमीडिएट। तो बाकी हम यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, हम इनकी भरपूर अपनी तरफ से भी हम इनको मदद करेंगे, और यहाँ की जो लोकल इनकी एनजीओज़ है या कमिटीज़ है, जो आबाद अच्छे आसुदा लोग हैं उनसे भी हम अपील करते हैं वो सामने आ जाए और उनकी मदद करें, और हम भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हम अपने पार्टी चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब और आज़ाद साहब को भी हमने बता दिया फ़ोन कॉल पे, और उनको यहाँ से हमने फोटोग्राफी करके वो उनको भेज दिया यहाँ से कि हालात इनके बहुत ख़राब है। और ओवरऑल पूरे बनिहाल में इस टाइम आप देखेंगे पूरे गूल, संगलदान, मोहमंगेत, पोगल, परिस्तान, नील या लोकल बनिहाल की बात करें तो काफ़ी नुकसान हुआ है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की साइड से हो या दूसरे हिसाब से मकानों के छत उड़ गए हैं, तो काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। तो इमीडिएट हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं वो एक टीमें बनाएं और हर एक इलाके में भेज दें, वो एसेस करें ताकि पता चल जाए किस इलाके में क्या नुकसान हुआ है। ये टिठार है पीरपुरा, ये टिठार ऋषिबास बस्ती है, ये अल्लाह का करम है फिर भी ये लोग बच गए हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से, आम लोगों से मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि इस बरसती बारिश में इन लोगों का भरपूर मदद करें। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से हम कहते हैं कि वो आए यहाँ, मौके का जायज़ा लेंगे। ये 4-5 मकान जो है ये बुरी तरह से पूरे, मतलब 100% डैमेज है ये। तो हम, हमारी उम्मीद भी है और आम लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके, मेहरबानी इनका भरपूर तावन दे, और इस वक्त यहाँ आए इनको कहीं पर हम शिफ्ट करेंगे, इनके रहने का कहीं इंतज़ाम करके, इनके खाने का कहीं इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब है। हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश कर दी कि फौरी तौर पर इनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करे जहाँ जहाँ ये रह सके, इनके लिए टेंट वगैरह या कहीं एकोमोडेशन का इंतज़ाम करे ताकि ये रह सके। लेकिन इस टाइम हम ऋषिबास आडबल टिठार में हैं, यहाँ पे कल रात 2:30 बजे जो है एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है जिसमें एक मस्जिद है और 3 मकान जो हैं वो धस गए हैं। अभी भी जो है जो यहाँ के लोग जो है वो मदद कर रहे हैं उनको सेफ़ जगह पहुँचाने में, और इनका जो सामान है वो हमने निकाला है बरवक्त, टाइमली हमने वो निकाला है। और अभी रिक्वेस्ट यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इन लोगों का जो है इन लोगों को जो है टाइमली जो है उनको रिहेबिलिटेट करें और इनका जो है मुआवजा है वो टाइमली जो है बनाएं।